प्रेमा भक्ति के इस रास्ते को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे गुरुदेव ने हमारे गुरुदेव ने हमें 5 नियमों में जोड़ा है। तो मैंने अभी पीछे कुछ समय पहले तक अभी तक चल रही थी, परसों तक हमारी सेल्फ रियलाइजेशन की एक सीरीज जो है वो यूट्यूब पर लाइव हम दे रहे थे, और आप में से काफी लोगों ने उसको भी देखा होगा। आज मैं आपको जो गुरु का रास्ता है, खासतौर पे जो प्रेमा भक्ति का रास्ता है, इसके बारे में हम यहाँ विस्तार से बात करेंगे, और हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान ने कौन सा रास्ता ये क्यों बनाया है इसके बारे में हम बात करेंगे। आपने मेरे एक सेल्फ रियलाइजेशन के क्लास में सुना होगा, जहां पर मैंने जिक्र किया था कि 4 रास्ते होते हैं परमात्मा तक पहुंचने के, जिसमें से एक रास्ता है ज्ञान का रास्ता, एक रास्ता है ध्यान का, एक रास्ता है कर्म का, और एक है भक्ति का रास्ता। हमारे सद्गुरु ने ये चारों रास्तों को कंबाइंड कर दिया। असल में उन्होंने 5 नियम बनाए, 5 नियम, क्योंकि अब गुरु भी शामिल हैं तो एक 5वां नियम ऐड किया गया। तो 5 नियम का मतलब क्या होता है? हमारे गुरुदेव ने फरमाया, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरण और ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित करे निश्चय हो कल्याण। तो गुरुदेव ने जो पहला जो तरीका बनाया वो है श्री आरती पूजा, कि हम अपने गुरु की नित्य प्रति आरती उतारें। बहुत से लोगों को आरती के बारे में ये बात शायद पुरानी लगती है कि पहले हुआ करता था कि आरती उतारी जाती थी, आपने इष्ट की या गुरु की हम आरती उतारते थे। क्या होता है आरती उतारने से? और आजकल जो जो लोग नहीं उतारते, तो बेसिकली इसका महत्व क्या है? अगर आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत बड़ी बात पता चलेगी कि इससे कितनी आसानी से वो अनेक अनेक बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इसके लिए आरती का मतलब, जो शब्द को समझें, आ का मतलब होता है सब ओर से, और रति का अर्थ होता है प्रेम, अर्थात सब ओर से अपना ध्यान समेट कर अपने गुरुदेव की तरफ लगाया जाए, ये होता है आरती। तो हम जब अपने गुरु की आरती करते हैं, हम हाथ जोड़कर सर झुकाकर अपने गुरु के सामने वंदन करते हैं, चाहे उनकी फोटो हो चाहे वो साक्षात हो, किसी भी रूप में हम उनको साकार ही मानते हैं। तो आपके भी जो इष्ट हैं, गुरु हैं, आप में से कुछ लोग और जो है अपने इष्ट या गुरु को भी मानते होंगे, इसलिए मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, आपके जो भी इष्ट या गुरु हैं, अपने गुरु के साथ एक प्रेम भरा रिश्ता कैसे बनाया जाए? कम से कम कुछ समय के लिए उनकी मूरत को प्यार से देखा जाए, दर्शन किए जाएं, क्योंकि ये जो बात हो रही है ये प्यार की हो रही है। आखिरकार जिनको हमारी आंख, हमारे जो अंदर इंफॉर्मेशन जाती है आंखों के जरिए, हमारे 97, हमारी जो 85% जो एनर्जी है वो आंखों के जरिए जाती है, और 13% कानों के जरिए जाती है। तो आंखों से जो शुभ देखेंगे तो शुभ ही भीतर जाएगा। तो क्यों ना अपने गुरु की फोटो, अपने गुरु की मूरत के दर्शन किए जाएं और उनके सुंदर नजारे देखे जाएं, और उन्हीं का ध्यान अपने हृदय में बसाया जाए। आपको विशेष रूप से मैं बता दूं कि ध्यान का अर्थ ही क्या होता है, कि माथे के 3rd आई के बीच में अपने गुरु की मूरत को बिठाना, अपने इष्ट की मूरत को बिठाना। अगर आप किसी देवी देवता या अन्य इष्ट देव भी, आप जिनको भी मानते हैं, आप उनको नमन करें और उनको अपने यहां पर विराजमान करें। ये जो स्थान है ये बना ही अपने इष्ट या गुरु के लिए है। तो ये मैं जो बता रहा था आरती पूजा के लिए, तो आरती उतारे प्रेम सहित, जोत जलाई जाती है आरती के अंदर, घी डाला जाता है उसमें, जोत जलाई जाती है। हमारे गुरुदेव ने श्री आरती में लिखा है कि तत्स्नेह प्रेम की बाती योग अगन जिनके, आरती लायक सोजन जो हैं शुद्ध मन के। यानी तत्व ज्ञान रूपी घी डाला जाए, प्रेम की बाती बनाई जाए और योग की अग्नि, ठीक है, योग की अग्नि का अर्थ हो गया जो हम सिमरन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो अपना पूरा ध्यान बाकी सब जगह से हटाकर सदगुरु के साथ योग करते हैं, तो ये प्रेम योग है। तो इस तरह से अगर आरती बनाई जाए और वो अपने गुरु के चारों तरफ घुमाई जाए,
तो फिर समझ में आता है कि गुरु की आरती का कि जो गुरु के प्रति प्यार पैदा होता है, आंखों में जो आंसू आते हैं, जो हृदय के भाव उमड़ते हैं, वो अनमोल हैं। अगर आपके भी हृदय में आंखों के आंसू आते हैं, आपके भी आंखों से आंसू बहते हैं, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। गुरु के प्रति रोना बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य है। हम लोग तरसते हैं अपने गुरु के दर्शनों को, गुरु के दीदार होते हैं, साल में एक बार या दो बार दर्शन होते हैं। वो महासौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने गुरु के दीदार अपनी आंखों से किए हैं। बाकी लोग तो अभी केवल मुहूर्त में दर्शन कर करके ही खुश हो रहे हैं। सोच के देखिए, साल साल भर आंखें तरसती हैं उस प्यारे सुंदर मुखड़े को, जिस एक मुखड़े को आपने सारे ब्रह्मांड का रूप मान लिया है। आपने ये कहा कि सारा ब्रह्मांड एक तरफ और इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये जो खूबसूरत चेहरा, ये जो मेरा प्रीतम सदगुरु है, मेरे भगवान है, बस यही परब्रह्म परमेश्वर है। आपने उनको परमात्मा का रूप मान लिया। अब आप जब उनके साथ जुड़ते हो, तो ये जुड़ना जो है हृदय पूर्वक होना चाहिए, और एक सदगुरु के साथ जुड़कर अपने ध्यान को बाकी जगह से हटा देना चाहिए। मैं कई बार देखता हूं कि बहुत लोग जो है गुरु का ध्यान भी करते हैं और उसके साथ साथ और भी देवी देवताओं के पीछे जो है उनके साथ भी जुड़े रहते हैं। कहीं ये ना नाराज हो जाएं, कहीं वो ना नाराज हो जाएं, कहीं इनका ना, कहीं वो ना, मतलब इस तरीके से सबको सबको राजी रखने की कोशिश करते हैं। एक बात को याद रखें, संतों की वाणी में एक जगह लिखा है, कहते हैं, पति की ओर निहारिए ओरन से क्या काम, पति की ओर निहारिए ओरन से क्या काम, सभी देवता छोड़कर जपिए गुरु का नाम। बात खत्म कर दी इसी एक बात में कि बाकी तरफ क्या देखते हो। जैसे एक स्त्री के लिए, एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ है, वो उसके लिए अपने घर परिवार सब कुछ छोड़कर आती है, और जब वो ससुराल में है तो उसके देवर जेठ जेठानी सास ससुर सब हैं, लेकिन पति जैसा प्यार किसी के साथ नहीं है। इसको समझ लेना है। हम भी ऐसे ही, देवी देवता भी हमारे साथ कोई थोड़ी बहुत, सभी के प्रति हमारा आदर हो सकता है, आदर सबका, लेकिन प्यार जो दिल का रिश्ता है वो केवल अपने सद्गुरु के साथ। तो अपने सद्गुरु का जब हम दर्शन करते हैं, हम अपने सद्गुरु के आगे दंडवत वंदना करते हैं। दंडवत का मतलब क्या होता है? बिछ जाना, अपने आप को कुर्बान कर देना। हम छाती के बल लेटते हैं, माथा जमीन पर टिकाते हैं, साष्टांग दंडवत इसे कहा जाता है, जहां हमारे सद्गुरु सामने हो उनके प्रति हम संपूर्ण समर्पण कर देते हैं। हम कहते हैं, हे गुरु महाराज, मैं आपके चरणों में मर चुका हूं, आप अपनी कृपा से, अपनी कृपा भरा हाथ देकर हमें उठा लो। और सद्गुरु उठाते हैं। आप जो आरती करते हैं तो गुरुमय जी फरमाते हैं ना, उठो गुरुमुखो उठो। ये उठाना कितनी पावर होती है, कितनी ताकत होती है, कितना प्यार होता है उनकी वाणी के अंदर, उठो गुरुमुखो उठो, ऐसे हमारे प्रभु फरमाते हैं। तो ये जो प्यार है, ये जो आरती है, ये प्यार का ही एक नजराना है जो हम अपने सदगुरु के साथ एक प्यार भरा रिश्ता हम बनाते हैं। ये रिश्ता हम सबने बनाना है। मेरे गुरुदेव ने एक बार फरमाया था, वो आरती आरती नहीं जिस आरती में आपकी आंख से आंसू ना बहे। तो आरती करना तो प्यार से करना, आशिकी के साथ करना, आंसुओं के साथ करना। मेरे प्रभु को बहुत पसंद है ये आंसू, इसको ध्यान में ले लेना। प्रेम का जो ये मार्ग है ना, इसमें इस बात को समझ लीजिए कि गुरुदेव ने एक बार फरमाया था कि अगर सचमुच एक सच्चा प्रेमी अपने मालिक की, अपने सद्गुरु की, अपने प्रियतम की याद में रोता है, कहते उसका आंसू धरती पर गिरने से पहले उसका कारज हम पूरा कर देते हैं। उसका एक आंसू धरती पर गिरने से पहले उसका काम हम पूरा कर देते हैं। ये गुरु की अपार दया है। और ये मेरा एक आंखों देखा भी नजारा है। हम एक बार सत्संग के लिए किसी स्थान पर गए थे, तो सत्संग में हमसे ये कहलवाया गया, गुरुदेव ने कहलवाया कि गुरु की याद में रात को रोना चाहिए। तो रात का जो टाइम है वो बहुत ही सुंदर होता है, उत्तम होता है। तो सुबह रात को, मतलब जब अकेले हो जाएं आप घर में, अब घर गृहस्थी में सारे लोग साथ होते हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, परिवार के सारे लोग हैं एक साथ हैं, या बड़ा परिवार है या छोटा परिवार है, जैसा भी। अब वो सब लोग, अब वो किसी लेडी ने सुना ये बात को, उसने कहा कि हमें तो दिन में तो टाइम मिलता नहीं है, अब अपने सदगुरु के साथ, अपने भगवान के साथ अकेलापन कैसे मिले, क्योंकि सारा
खेल अकेलेपन का है कि हम कहते हैं ना कि प्रभु आपके चरणों में एक तू हो एक मैं हूं, मतलब आपके साथ मेरा प्यार इस तरह का हो कि एक आप हो और एक मैं हूं। इस तरीके से अपने गुरु के प्रति प्यार जो है समर्पित करते हैं। उस भक्तानी ने भी ऐसा किया। उसने रात को घर परिवार के लोग सो गए, सबको सुलाकर वो भी सो गई। 1:30-2 बजे वो रात को उठ बैठी, जैसे दिल में आग लगी हुई थी, मतलब आग मतलब प्यार की भावना जो है। हम लोग भी, जैसे मैंने सभी को बोला है, मैंने पिछले वीडियो में भी ये स्पष्ट किया था कि 4 घंटे की नींद एक गुरुमुख के लिए काफी होती है, तो अपनी नींद को रिड्यूस करने की कोशिश करें। 11 बजे सोकर 3 बजे उठा जा सकता है, उठ के क्या करें? अपना हृदय को प्यार से भरें और अपने प्रियतम सदगुरु की याद में एक आंसू हृदय में लेकर आए, भाव लेकर आए, उनकी याद लेकर आए कि मेरे प्रभु कितने प्यारे हैं। उस भक्तानी ने ऐसा किया, प्रभु को याद करना शुरू किया। हे गुरु महाराज, मुझे कोई तरीका नहीं आता, मुझे मेरे दिल में कोई प्यार भी नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं बस आपके चरणों पर कुर्बान हूं। जैसे गुरु नानक साहब हमें गुरु के चरणों पर कुर्बान होना सिखाते हैं, कहते ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। हे प्रभु, मैं कोई ज्ञान ध्यान कर्म धर्म कुछ नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि तू कितना विशाल है, कितना विराट है। कहते सबते बड़ा मेरा सतगुरु, नानक जिन कल राखी मेरी। मैं नहीं जानता कुछ और, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम सबसे बड़े हो, तुम परब्रह्म परमात्मा हो, तुम ही मेरी लाज रखोगे। तो भक्ति का मार्ग शरणागति का मार्ग है, विनम्रता का मार्ग है। भक्त जो है वो ज्ञान ध्यान की बड़ी बड़ी बातें नहीं जानता, वो प्यार जानता है। इस भक्तानी ने भी रोना रोनी सूरत बना ली और प्रभु मुझे तो कुछ आता नहीं, मेरे तो कोई भाव भी नहीं है, और मैं कैसे मेरे दिल में आपके प्रति प्यार आए और कैसे आप मुझे आकर दर्शन दो, ऐसा इसने मन में भाव किया। कहती है मैंने कोई भजन लगा लिया, हेडफोन लगाकर, कि और कोई डिस्टर्ब ना हो, भजन लगाकर मेरी आंखों से प्रेम भरे आंसू बहने लगे। कहते बस अभी 5-7 मिनट ही हुए थे, मैं क्या देखती हूं कि मेरे गुरु महाराज जी का सुंदर एक प्रकाशमय रूप मेरे सामने आकर बैठ गए हैं। पहले तो मुझे भरोसा ना हो अपने ऊपर, पर ये कुछ दिख रहे हैं या मेरे मेरे मन की कल्पना चल रही है, सामने बैठे हैं और बड़ा मुस्कुरा रहे हैं उसको देख देख कर, तो बड़ी हैरान हो रही है। थोड़ी देर तक तो ऐसे ही रोती रही, फिर उसने थोड़ा टटोल के देखा कि सच में बैठे हैं क्या। कहते गुरु महाराज जी के हाथ से मेरा हाथ टच किया और उसके दिल में फिर जो उसके भाव उमड़े, जहां साक्षात प्रेम का देवता बैठा हो, सारा सारा ब्रह्मांड का जो नायक है वो आपके सामने अगर सगुण साकार रूप में बैठा हो तो दिल में प्यार नहीं पैदा होगा। कहते प्रभु सामने बैठे हैं, उनके चरणों में फिर जो सर रख के वो रोई। कहते हैं कि बस फिर तो दिल के जो भाव थे उसने अपने प्रभु के चरणों में रखे। कहती है सारी रात ये खेल चलता रहा, वो हटे ना, वो ना हटे तो मैं कैसे हटूं, प्रियतम ना हटे तो प्रेमी कैसे हटे। तो प्रेम का ये नजारा इसी तरह से, कहती सारी रात चलता रहा। सुबह कहीं जाके 5:30-6 बजे के करीब जो है ख्याल में आया कि हम तो भाई ये हो क्या रहा है। खैर, क्या आपके साथ ये लीला हुई है? क्या आपने कभी इस तरीके से अपने गुरु को याद किया है? क्या कभी उसकी याद में बैठकर रोए हैं? जरा कोशिश करके देखिएगा, ये प्रभु की अपार दया है कि हृदय में वो प्यार पैदा करते हैं। होना चाहिए, होना चाहिए, इन आंखों में आंसू होने चाहिए। मीराबाई अपनी शब्दों में, वाणी में लिखती हैं, कहते हैं कि प्रेम ये जो आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मैंने आंखों के जल से सींच सींच कर प्रेम के इस बेल को बोया है। ऐसे थोड़ी ये बड़ी हो गई है, ऐसे थोड़ी ये परमात्मा को छूने लगी है, मैंने अपने आंसुओं से सींचा है इसे। तो प्रेम अश्रुओं की कद्र करें। हम एक भजन में सुनते हैं, प्रेम अश्रु दा इक मोती चरणा तेजे डुल जावे। कहते हैं प्रेम आंसुओं का अगर एक मोती जो है तेरे चरणों पे डुल जाए तो फिर सारे जहान की जो खुशियां हैं, कहते वो सारा एक कतरे के बराबर जो है ना तोली जा सकती है। आंसू का एक कतरा जो है सारे ब्रह्मांड की खुशियों के बराबर उसे तोला जा सकता है, उसकी भी कीमत नहीं अदा की जा सकती। तो ये जो प्रेम की महिमा है ये इतनी विशाल है,
अब सुनते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को मान बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु जो है अपनी मर्यादाएं बदल देते हैं सद्गुरु, जब वो अपने सेवक के प्रति प्यार का भाव रखते हैं। मेरे गुरुदेव एक बार किसी स्थान से जा रहे थे, श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री पंचम पातशाही जी, तो उनकी एक शिष्या, एक भक्तानी, एक लेडी थी, वो बहुत समय पहले आकर दर्शन करके गई थी। उसने दर्शन किए, उसके बाद उसको दोबारा से आने का मौका नहीं मिला। वो मन में बड़ी तड़प लेकर बैठी हुई है कि प्रभु अब इतने साल हो गए हैं, 7-8 साल शायद हो गए थे, और मन में बड़ी तड़प लेकर बैठी है कि दर्शन नहीं हुए। अब एक प्रेमी के हृदय में अपने प्रियतम के लिए वो प्यार होता है, उसकी आंखें तरसती हैं अपने गुरु के दीदार को, और धन्य भागी हैं वो आंखें जो अपने प्रियतम की याद में तरसती हैं। और जो अपने गुरु के लिए रोना जानते हैं, संसार के दुख उन्हें रुला नहीं सकते, संसार के दुख उन्हें रुला नहीं सकते जो अपने गुरु के लिए रोना जानते हैं। तो उसने वो रोए बैठकर कि प्रभु आपके दर्शन किए हुए कई साल हो गए हैं, अब कैसे दीदार हो। गांव में कहीं डिस्टेंस पर रहा करती थी, जाना आना भी आसान नहीं होता था। कुछ समय पहले की, 15 से 1 साल पहले की घटना है। एक बार उसको कैसे तैसे करके पता चला कि गुरुदेव का यहां से आना हो रहा है। कोई फोन वोन रहा होगा, किसी के थ्रू कुछ सुना होगा कि गुरुदेव का फलाने आसपास के किसी शहर में सत्संग है और गुरु महाराज जी यहां से जाएंगे। दूर गांव था, गांव के से दूर एक सड़क जाती थी, वो उस सड़क से गुरुदेव जाएंगे। 3-4 किलोमीटर दूर वो सड़क थी, तो अंदर कहीं कर चल के गांव था। तो इस भक्तानी ने मन में सोचा कि अगर मेरे गुरु महाराज जी आएंगे तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो बनाकर लेकर जाऊं, क्या पता वो मेरे मेरे को उनके दर्शन हो जाएं, और क्या पता मेरे प्रभु भोग लगाएं, तो कुछ प्रसाद तो अपने गुरु के लिए दे लेकर जाना चाहिए। तो उसने बड़े प्यार से जो है वो खीर बनाई, बकरी के दूध की खीर। घर में बकरी पाली हुई थी तो बकरी का दूध सही, तो बड़े प्यार से दूध में की खीर बनाई और अपने हस्बैंड को बुलाया कि हम आज मेरे गुरुदेव यहां से आने वाले हैं, तो आप मेरे साथ चलो। दोनों ने हाथ जोड़े, हालांकि उनके हस्बैंड मानते नहीं थे, लेकिन चलो जैसे तैसे करके साथ देने के लिए अपनी पत्नी को साथ लेकर कि वो उस रोड पर चले गए कि यहां से गुरुदेव ने जाना है। अब कुछ टाइम बताया होगा किसी ने, जैसे तैसे करके खबर पहुंची होगी। वो बड़े प्यार से सड़क के किनारे पर खड़ी है कि प्रभु अब आते हैं, अब आते हैं, अब आते हैं, अब आते हैं। कोई 1.5-2 घंटे बीत गए, दर्शन नहीं हुए, आए नहीं। अब वो उनके जो पति देव थे वो बार बार कहेंगे कि तू तो कपड़ा बड़ा कर रही थी, गुरुदेव अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, हाथ आए तो नहीं। चलो उसके मन में बार बार पुकार करे, प्रभु आइए, प्रभु अपने सुंदर दीदार दीजिए, अपने सुंदर दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। रोए बार बार, भाव थे मन में। तो समय हुआ, प्रभु आए, दूर से गुरुदेव की श्री कार जो है आती हुई दिखाई दी। गुरुदेव ने अब इसको देख के मन में बड़ी खुशी हुई, देखा मेरे प्रभु की कार आ रही है। बड़े मन में व्याकुलता बढ़ी, अरे प्रभु आएंगे, मैं खड़े हूं यहां पर, मुझे देख के जरूर पहचान लेंगे और फिर मुझे दर्शन जरूर देंगे। अब वो खड़ी हुई है हाथ जोड़कर सड़क के किनारे, तो दूर से श्री कार आ रही है। शायद प्रभु की दृष्टि पड़ी भी हो, पड़ी तो होगी, अब क्योंकि अंतर्यामी भगवान जानते तो सब हैं किसके हृदय में कैसी प्रेम की तड़प है, यही तो वो देख रहे होते हैं। क्योंकि ये जो प्रेम का साकार रूप है, यही तो गुरुदेव हैं। प्रेम में और सद्गुरु में कोई फर्क थोड़ी है, इश्क अल्लाह की जात है, ये प्रेम ही उसकी जात है। तो गुरुदेव का ये जो रूप है, ये हमें करते हैं, ये 1 मिनट, ये ऑफिस वालों को पता नहीं कहाँ है, कोई याद आ गई थोड़ी क्षमा। तो खैर गुरु को उसने उसने जो है वो आवाज आ रही है सभी को, ओके परफेक्ट। तो उसने दिल से भाव किया गुरु के प्रति, और गुरुदेव ने कार जो है आई, दूर से दिखती दिख रही, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। वो हाथ जोड़ के खड़ी हुई है, उसने हाथ भी किया भी रुक जाए, लेकिन कार वैसे थोड़ी रुकेगी। गुरुदेव उसके सामने से होकर चले गए। अब तो इसकी आंखों के आंसू रुके ना,
अरे मेरे प्रभु आए भी सही, इतनी दूर सालों के बाद उनकी कार में झलक तो मिल गई, दिखे कि मेरे भगवान सामने बैठे हैं, लेकिन सामने से होकर चले गए। अब दिल में और आग लगी, कितनी प्यार से इतने सामने से आए भी सही, और मैं तो भोग लगाकर खड़ी हुई थी भाई, ये मेरे आकर खीर का प्रसाद लेंगे और कुछ कृपा करेंगे, दर्शन देंगे, लेकिन यहां तो इन्होंने पहचाना ही नहीं। खैर लीला हुई, अब प्रेमी की जो आंख से जो आंसू गिर रहे हैं, क्या उस प्रियतम को पता नहीं लग रहा? सब पता लग रहा है, वो बैठे हुए हैं, सबके हृदयेश्वर जो हैं, सबके घट घट की जानने वाले अंदर बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता लग रहा मेरा प्रेमी वहां पर इंतजार कर रहे हैं। गुरुदेव ने कुछ ऐसी लीला रचाई, कुछ ऐसा खेल रचाया, और ये खेल बड़ा अनुपम प्रभु ने ऐसा खेल रचाया। थोड़ी ही देर में बारिश चालू, अब ये भगतानी जो है ना, जैसे तैसे करके वापस अपने गांव के अंदर की तरफ आ गई। इसका हस्बैंड इसको कई काफी जो है ना बुरा भला बोलता रहा कि तू तो ऐसे ही सोचे जा रही थी कि गुरुदेव तेरी तरफ देखेंगे और रुकेंगे और ऐसा होगा और वैसा होगा, चल वापस अपने घर चल, अब ज्यादा बकवास मत करियो, चुपचाप बैठ जाइयो। ले गए साथ में उसको, ये बेचारी घर लाई, खीर ला के रख दी, और गुरुदेव की फोटो के सामने बैठी हुई है, रो रही है। प्रभु वहां आगे थोड़ी सी गए और ऐसा कुछ खेल किया कि थोड़ी ही देर में बारिश चालू। अब जिस रूट पर जाना था वहां आगे गए, तो आगे ना एक कोई पुलिया बनी हुई थी, छोटी सी कोई नदी जा रही थी, उस नदी पर एक पुलिया थी और पुलिया को पार करके जाना चाहिए था। नदी जब तक वहां पहुंचे तब तक पुलिया पे इतना पानी आ चुका था कि मतलब पुलिया बस अब गई और तब गई, इस वाले मूड में थी। तो वहां पर कोई खड़े हुए थे, उन्होंने हाथ जोड़कर बोला कि भाई यहां से आप गाड़ी मत लेकर जाइए, पुलिया पर अभी बस पानी आ चुका है, कोई भरोसा नहीं कि मतलब एकदम से वो फुहार आए और आप बिल्कुल मुश्किल में ना पड़ जाओ। तो महात्मा जी, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो साथ में सेवक थे उन्होंने कहा कि ठीक है अब तो वापस लेना पड़ेगा, तो गाड़ी को वहां से वापस लेना पड़ा। फिर गाड़ी वापस आ रही है, श्री कार जो है वहां से वापस आ रही है। अब वापिस जब आ रही है, अब गुरुदेव ने अपनी लीलामयी रूप में जब सीधे उसी स्थान पर फिर से पहुंचे जहां पर वो भगतानी खड़ी हुई थी, गुरुदेव कहते हैं अब यहां नहीं, सीधे नहीं चलना, अब यहां मोड़ लो। यहां पर गांव की तरफ सबके मन में आया कि ये क्या खेल हो रहा है। खैर प्रभु की आज्ञा के आगे सबके हाथ जुड़ जाते हैं, गुरुदेव अंदर की तरफ गए और गांव में गांव की तरफ इधर से पूछते पुछाते, आगे गांव है, कोई गांव है, कोई गाय गांव है, इस तरीके से करते कराते गांव की तरफ पहुंच गए। और फिर गांव में उनकी कोई प्रेमी भक्तानी है, वो भी अब पता कैसे लगे, तो इधर से पूछ उधर से पूछ, गुरु पूछ रहे हैं, मतलब भगवान अपने भक्त का पता पूछ रहे हैं। अंतर्यामी भगवान सर्वेश्वर हैं, जानते सब हैं, लेकिन संसारिक रूप से कुछ ना कुछ खेल भी तो करना होता है ना। तो खैर वो खेल किया प्रभु ने और जैसे तैसे कर कर वहां पर पहुंच गए। अब वो पता लग रहा है कि भाई उसके घर पे आके बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई है, हैरान हो गए भाई लोग, क्या हो गए, बड़ी सी गाड़ी, और प्रभु की गाड़ी भी बड़ी प्यारी है, सुंदर है। वो भगतानी अंदर से, उसको पता लगा कि मेरे, अरे ये क्या हो गया, गाड़ी की आवाज आई, तो हृदय में प्रेम की पुलक उठी, कुछ भी हो जाए मेरे भगवान आए होंगे, जरूर आए होंगे, क्योंकि दिल ने तो गवाही दे दी थी कि प्रभु ऐसे नहीं जा सकते, दिल ने तो दे दी थी, अब ऊपर से खेल होना बाकी था सब। तो प्रभु आए घर में और क्या फिर नजारा था, उसने गुरुदेव के चरणों में अपना सर रखा और खूब रोई कि प्रभु क्या लीला रचाई है आपने, मतलब वहां से तो सामने से चले गए और यहां घर में दर्शन देने के लिए चले आए, जो उसके प्यार में, गुरुदेव के प्यार में, वो उसके उसके हृदय में जो जो भी तड़प थी ना, वो उस वो आंसुओं के रूप में बह निकली और खूब गुरु के चरणों में बैठकर वो रोई बहुत प्यार से। फिर प्रभु ने फरमाया कि रोती रहेगी या कुछ खिलाएगी भी सही। अब वो खीर बनाई हुई थी बकरी के दूध वाली, और वो थोड़ी सी खीर अपने हिसाब से भी गुरुदेव को भोग लगाना है। अब गुरुदेव अकेले थोड़ी हैं, उनके साथ तो काफी सारे संत हैं, तो उन सबके साथ कुछ 10-12 संत होंगे साथ में। तो गुरुदेव ने सबको बिठाया और प्रभु को एक चारपाई पर विराजमान किया, गुरुदेव बैठे और जैसे तैसे वो खीर सामने लेकर आई, प्रभु ने उसका भोग लगाया और बड़े प्यार से जो तारीफें उसकी की, भाई क्या तक खीर बनाई है तूने, और वो खीर की तारीफ थोड़ी है, वो प्रेम की तारीफ है कि तूने क्या प्रेम दिखाया अपना, प्रेम में प्रभु रीझ रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वहां पर वो भक्तानी जो है वो आनंदित हो रही है, दर्शन कर रही है, तो बड़ा आनंदमय ये नजारा सबने देखा। उसके बाद अब गुरुदेव ने कहा कि ये खीर जो है सबको बांटनी है, अब यहां पर तो लोग बहुत सारे हैं, 10-12 लोग हैं और भी बाहर के, इधर उधर के लोग भी आकर खड़े हो गए,
गुरुदेव ने अपने जो जो कटोरा था, खीर का छोटा सा कटोरा था, उसने कहा कि उसके ऊपर गुरुदेव ने एक रुमाल रख दिया और उसमें से खुद जो है खीर निकाल निकाल कर देने लगे। अब इतने से कटोरे में कितने लोगों को खीर दी जाएगी, वो भी भर भर के, कटोरा भर भर के बीच में से निकाल के दे रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अवंतर्यामी भगवान सर्वेश्वर लीलाधारी जहां पर बैठे हैं वहां पर क्या खीर की कमी होगी। साक्षात मां अन्नपूर्णा हाथ जोड़कर सामने खड़ी होती हैं, जिनके तो प्रभु के दीदार हो रहे हैं, सबको प्यारे दर्शन और सबको खीर भर भर के जो है वो प्रसाद जो है सबको दिया जा रहा है। सभी ने प्यार से प्रभु के दीदार किए, खीर का भोग लगा, फिर उस भक्तानी के लिए भी इतनी सारी खीर बच गई और फिर प्रभु ने उसको बड़ा प्यार भरा आशीर्वाद दिया और खूब आनंद बरसा कर प्रभु आगे की राह पर चल पड़े। ये जो भाव है एक प्रेमी का, ये जो सच्चा प्यार है ना, बस यही एक प्रेमी और प्रीतम के बीच में जो घटित होता है ना, ये एक इंसान को सीधा सीधा सेल्फ रियलाइजेशन तक ले जाता है। आपने वहां पर मेरी ज्ञान ध्यान की बड़ी बड़ी बातें सुनी होंगी, लेकिन वो ज्ञान ध्यान इस प्रेम की तुलना में कुछ भी नहीं है। वो सारी बातें सिर्फ बातें हैं, वो सिर्फ बातें हैं। एक प्रेमी के लिए, एक सच्चे आशिक के सामने प्रेम के अंदर सब कुछ बह जाता है। इसलिए सतगुरु के साथ सच्चा प्रेम लगाओ, सच्चा प्रेम, जितना हो सके गुरु के प्यार में रोना सीखें। तड़प हो हृदय के अंदर, हमारे हृदय में आंसू हो, प्यार हो, ये जिसके हृदय में ये प्रेम आ गया, बस समझ लीजिए उसने सब पा लिया। एक बार हमारे तृतीय पातशाही जी महाराज जी कहीं जा रहे थे, तीसरी पातशाही जी गुरुदेव कहीं जा रहे थे, रास्ते में कहीं पर एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, लिखा हुआ था खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, ये लिखा हुआ था उर्दू में। तो श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने अपने साथ के एक संत जी को इशारा करके बोला कि आपको उर्दू पढ़ने आती है, उर्दू में लिखा हुआ था। तो इन्होंने कहा कि जी प्रभु आती है, हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु हाँ आपकी कृपा से आती है। तो प्रभु ने फरमाया क्या लिखा हुआ है सामने दीवार पर, जरा पढ़ के बता। जानते सब कुछ है लेकिन खेल खेल रचाना होता है, लीला रचानी होती है। तो गुरुदेव ने जैसे इशारा किया तो उन्होंने कहा कि प्रभु लिखा है खुदा मोहब्बत है। प्रभु ने कहा एक बार फिर पढ़, बात कुछ भी नहीं है, इतनी सी बात है, खुदा मोहब्बत है, एक बार फिर पढ़। और जो बस खुदा मोहब्बत है ये बात सुनते ही प्रभु के हृदय में उनके खुद खुद जो परब्रह्म परमात्मा है, उनके नेत्रों से जो अश्रु बहने लगे, आंखें मंद बंद कर ली, प्रभु ने अपने कमल नयन बंद कर लिए और जो नेत्रों से अपलक, वो जो अपने न जाने किसको याद कर रहे हैं, जिन हम प्रेमी तो उनको याद करते हैं, लेकिन प्रभु जो प्रेम के अंदर डुबकी लगाए तो वो किसको याद करते होंगे, कितने सौभाग्यशाली वो लोग होंगे जिनको प्रभु खुद याद करते होंगे। किसकी मोहब्बत याद करके प्रभु के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, काफी देर तक इस प्रेम में लीन रहे। खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, और मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं। दिल में बार बार बस यही बात, प्रभु बड़ा प्यार से बार बार अप्रिशिएट किया कि लिखा हुआ है, देखो देखो क्या लिखा हुआ है, खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। धन्यभागी हैं हम लोग, ऐसे सदगुरु परमहंस हमें मिले हैं, ऐसे परमहंस सदगुरु जो प्रेम के अथाह सागर हैं वो हमें गुरु रूप में मिले हैं। ऐसे गुरु को पाकर क्यों ना अपना धन धन भाग्य बनाए, कुर्बान जाएं अपने सदगुरु पर जो सगुण साकार प्रेम है हमारे हृदय में उनके प्रति, यही यही आश की जिसके कारण सच्चा प्रीतम मिलता है। आश की तो दुनिया बड़ी लगाती है, लोगों के बड़े जो हैं वो BFGF और न जाने क्या क्या चीजें होती हैं संसार में, लेकिन एक गुरुमुख जो है वो सच्ची आशिकी लगाता है। गुरुवाणी में लिखा है गुरुमुख सच्ची आशिकी, जिस प्रीतम सच्चा पाइए, जिसके कारण खुदा को जमी पे आना पड़ता है, ये वो आशिकी है, ये वो प्रेम है। इसलिए इस प्रेम के अंदर गहरी डुबकी लगानी है। गुरुदेव ने जो पांच साधन बताए हैं, श्री आरती पूजा प्रेम का ही दूसरा रूप है,
कोई भी विनती करना ना तो प्रेम के बिना मत करना। जब कहना कि गुरु बिन और ना दूसरा मैं आस करूं जिसकी, तो कहकर केवल इतनी सी बात को रहने मत देना कि ये इतनी सी बात नहीं है। कहना, दिल के भाव प्रकट करना कि प्रभु मेरा आपके सिवा कोई है ही नहीं। ये जो एकल्य का भाव होता है ना, कि जहां पर केवल एक प्रीतम है और एक प्रेमी है, ये एकल्य का भाव ही एक प्रेमी को सारे दुखों से आजाद कर देता है। तो प्रेम से आरती करना, प्रेम से दंडवत करना, प्रेम से जयकारा बोलना, और प्रेम से ही गुरुदेव के चारों तरफ जब आरती घुमाना, प्रेम से गुरुदेव को भोग लगाना। हम भोग लगाते हैं ना, हर एक चीज को प्यार से अपने प्रभु के आगे अर्पण करते हैं, जरा प्रेम से करना। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, नहीं करेंगे तो नहीं, अगर प्रेम हृदय में नहीं है तो रहने दीजिए, पर बिना प्रेम के फॉर्मेलिटी मत कीजिए। इसी तरह से सेवा कीजिए, गुरु की सेवा, चाहे संसार की सेवा के रूप में कीजिए। अपने घर वालों के लिए भी कुछ कर रहे हैं ना, कहिए कि प्रभु मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूं। तो संसार की सेवा भी कर रहे हैं तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो वैसे भी लॉकडाउन में कोई और जाने आने का हिसाब नहीं है। तो घर की सेवा, गुरुदेव की सेवा, उनके मूरत की सेवा, लेकिन ये मान के कि मेरे गुरु यहां पर साक्षात बैठे हैं। तो ये सेवा का सिलसिला ऐसे, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग। अब सत्संग जरूर सुने, हमने तरह तरह के सत्संग जगह जगह पर, हमारे गुरुदेव की ऐप है, उस पर ऐप पर सब कुछ अवेलेबल है, वो सत्संग आप जरूर सुने। गुरुदेव की मैगजीन्स अवेलेबल हैं, उनमें सत्संग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ऑडियो सत्संग बहुत सारे वहां पे भी डले हुए हैं, मैंने कई बार हम लोग सत्संग डालते भी हैं। तो हर तरह से हर सुविधा अवेलेबल है। इसी तरह से श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरण और ध्यान। अब जब अजपा जाप जपना, तो प्रेम से जपना, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस ना हो जाए कि बस ये लिया और ये ऊपर सांस आ रही है जा रही है। एक नॉर्मल इंसान भी जपता है और एक गुरुमुख भी जपता है, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब वो प्रेम से जपता है तो उसका हृदय का रोआ रोआ अपने प्रीतम को पुकारता है। तो वो जो श्वासों के साथ वो जो जाप चल रहा है, वो कोई छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ा, वो आनंद है। उस जाप के अंदर ही, उसके अंदर ही सदगुरु आप समाए हैं। वो केवल शब्द नहीं है, जो गुरु दीक्षा में मिला हुआ केवल शब्द नहीं है, वो सदगुरु हैं, उनका निराकार रूप है। इसलिए श्वास श्वास में जपना, बड़े प्यार से जपना, बड़े दिल से जपना, बड़े आनंद से जपना। कल रात को मनाएंगे हम, कल रात के 12 बजे से लेकर संडे शाम 4 बजे तक सिमरन डे हम मनाते हैं, और आप सभी भी उसमें पार्टिसिपेट करते हो, तो जरा एक बार लक्ष्य लेना इस बार 7 घंटे का कम से कम। तो ये हम अपने गुरु के प्रति हम अपना प्यार, हमना आनंद जो है वो सिमरण के रूप में, उनकी समझ लीजिए सिमरण एक सेवा है जो अपने गुरु के चरणों में हम अर्पित करते हैं। तो जरूर कीजिएगा, इस संडे को बड़े जोश के साथ कीजिएगा, खुद ही ना करें औरों को भी करवाएं। ठीक है, गुरुवाणी में गुरु साहिबान लिखते हैं, कहते जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरु सिख की, जो आप जपे और अवरे नाम जपावे। कहते मैं ऐसे गुरु सिख, गुरु के प्यारे की मैं चरणों की धूल मांगता हूं, उसकी धूल, उसके चरणों की धूल पूजने लायक है, जो आप भी करता है, जपता है और औरों को भी जपने की प्रेरणा देता है। ये जरा आप भी समझ लेना, आप भी उसी गुरु के प्यारे हैं। कोशिश करना कि आपके दिल में भी प्यार उमड़े और औरों के दिल में भी प्यार पैदा करना। जरा सत्संग शेयर करना, लोगों को भेजना, किसी के हृदय में प्रेम पैदा हो जाए। हम किसी को बहुत ज्ञानी ध्यानी नहीं बना सकते, मैं किसी को ज्यादा मेडिटेशन वेडिटेशन नहीं सिखा सकता, तो क्या होगा, प्रेम तो सिखा सकता हूं। तो प्रेम में रोना सीखना, आप भी रोना और औरों को भी सिखाना। धन्य भाग मनाना जब आंख से आंसू बहे, भाग्यशाली हो वो क्षण, वो दिन, वो समय परम सौभाग्यशाली है जिस दिन हृदय से आंख से आंसू बहे। याद करना उस परम प्यारे को, ये नेत्रों के जो मोती छलकते हैं ना, ये ऐसे नहीं छलकते, हृदय के अंदर उसके प्यार की कूट कूट कर भरा हुआ है। इस रगों के अंदर खून बह रहा है, नहीं खून नहीं, उसका प्यार बह रहा है। उसकी जो दीदार किए हैं, इन आंखों ने जो सुंदर नजारे को देखा, ऐसे ही नहीं, उसकी उसके प्रेम के पर कुर्बान है। हम जैसे एक नहीं करोड़ों करोड़ों कुर्बान है उस प्रीतम के सदके।
बार बार सदके, बार बार सदके। तो अपने प्रभु पर इसी तरह कुर्बान जाएंगे, दिल में प्यार पैदा करेंगे, नियमों को प्यार से निभाएंगे। उम्मीद करता हूं सत्संग को यहीं हम समाप्त करते हैं, 40 मिनट पूरे हो रहे हैं। कोशिश करूंगा दोबारा भी इसी तरह से सत्संग का ये प्रवाह मिल सके, और जो भी आपके भाव हो हम बाद में उसमें आप करें अपने उसमें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम सभी आप अपने अपने ग्रुपों में जो भी लिखना हो वो लिखें। अभी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आंसर अभी तो नहीं हो सकते, फिर कभी एक सेशन जरूर रखेंगे जहां पर हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।